दोस्तों आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ ट्रायोलॉजी मूवीज की दुनिया में। पिछले कई सालों में हॉलीवुड ने काफी आइकॉनिक ट्रायोलॉजी मूवी दी है और हम देखेंगे कि कैसे मूवी की स्टोरी, कैरेक्टर और थीम मूवी को स्पेशल बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए देखते मजा आएगा। नंबर 10 पर है द मेज रनर। अगर आप कोई साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी ढूंढ रहे हो तो लिस्ट की नंबर 10 द मेज रनर एक राइट चॉइस है। सोचिए कैसा हो अगर आप एक दिन उठो और आपको अपने नाम के अलावा कुछ याद ना हो और खुद को कई लोगों के साथ एक मिस्टीरियस मेज में फंसा हुआ पाते हो। कुछ ऐसा ही है मूवी में भी। मूवी आपको मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिलर के रोलर कोस्टर राइड पर ले जाती है जो आपको तीनों पार्ट्स देखने पे मजबूर कर देगी। नेक्स्ट है द हैंगओवर। ये मूवी फुल ऑन कॉमेडी मूवी है जो टॉड फिलिप्स ने डायरेक्ट है। इस मूवी में ब्रैडली, एड और जैक एक बैचलर पार्टी के लिए लॉस वेगास जाते हैं और पार्टी के नेक्स्ट डे उन्हें कुछ याद नहीं होता है। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। इस मूवी में विटी ह्यूमर और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये मूवी काफी पॉपुलर है और इसके सीक्वल्स भी देखने लायक है। नेक्स्ट है टेकन। ये फुल ऑन एक्शन थ्रिलर मूवी है जो पियर मॉरेल ने डायरेक्ट की है। इस मूवी में लायम निशान एक रिटायर्ड CIA एजेंट का रोल प्ले करते हैं जो अपनी बेटी को किडनैप होने से बचाता है। इस मूवी में लायम निशान का परफॉर्मेंस और एक्शन सीक्वेंस काफी इंप्रेसिव है जो आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट है द ईस्ट ट्रेल 177 ट्रायोलॉजी। ये एक मूवी सीरीज है जो एम नाइट शामालन ने डायरेक्ट की है। इस ट्रायोलॉजी में अनब्रेकेबल, स्प्लिट और ग्लास शामिल है। इन सभी मूवी में कॉमिक बुक स्टाइल और सुपर नेचुरल एलिमेंट का यूज किया गया है और मूवी में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट है। ये मूवी उन्हें काफी पसंद आएगी जो थ्रिलर और सस्पेंस मूवी देखना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है द वॉल्वरिन। देखो दोस्तों, वॉल्वरिन मूवी के बारे में तो सबको पता ही है तो ज्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं, पर एक चीज है कि इस मूवी में ह्यूज जैकमैन ने काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिया है और एक्शन सीक्वेंस भी काफी इंटरटेनिंग है। एक और बात, उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। तो जिन्हें भी एक्समैन मूवी पसंद है उन्हें तो ये जरूर देखनी चाहिए। नेक्स्ट है द हंगर गेम्स। ये एक डायस्टोपियन साइंस फिक्शन मूवी है जो सुजैन कॉलिंस के नोवेल पर बेस्ड है। इस मूवी में जेनिफर लॉरेंस एक टीनेज गर्ल का रोल प्ले करती है जो एक रियलिटी शो में जैसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है जिसमें पार्टिसिपेंट को मरने के लिए भेजा जाता है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इस मूवी में स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट और डायस्टोपियन वर्ल्ड का इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। ये मूवी काफी पॉपुलर है और इसके सीक्वल्स भी देखने लायक हैं। नेक्स्ट है हैनिबल लेक्टर ट्रायोलॉजी। ये मूवी सीरीज जो हैनिबल लेक्टर नाम के फिक्शनल सीरियल किलर के कैरेक्टर पर बेस है, इसमें द साइलेंस ऑफ द लैम्ब, हैनिबल और रेड ड्रैगन शामिल है। इस ट्रायोलॉजी में एंटनी हॉपकिंस का हैनिबल लेक्टर का रोल काफी आइकॉनिक है और इन मूवीज के स्टोरी लाइन और कैरेक्टर्स की डेप्थ भी काफी इंप्रेसिव है, तो इस मूवी को तो आप जरूर देखना। नेक्स्ट है स्टार ट्रैक ट्रायोलॉजी। ये मूवी काफी फेमस है और इसके कैरेक्टर्स भी आपको फिलहाल काफी वेब सीरीज में देखने मिल ही रहे हैं। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है जो जे अब्राहम ने डायरेक्ट की है। इसमें स्टार ट्रैक इनटू डार्कनेस और स्टार ट्रैक बियॉन्ड शामिल है। इसमें क्लासिक स्टार ट्रैक कैरेक्टर्स को मॉडर्नाइज तरीके से प्रेजेंट किया गया है और मूवी का एक्शन और विजुअल इफेक्ट भी काफी इंप्रेसिव बनाया गया है। नेक्स्ट है बैक टू द फ्यूचर। मूवी एक साइंस फिक्शन कॉमेडी है जो रॉबर्ट जेमेकिस ने डायरेक्ट की है। इस मूवी में माइकल जे फॉक्स एक टीनेजर का रोल प्ले करते हैं जो अपने साइंटिस्ट फ्रेंड के साथ टाइम ट्रैवल करता है। इस मूवी में विटी ह्यूमर, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट को यूनिक और एंटरटेनिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये एक आइकॉनिक मूवी है जो 80s के कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है और आज भी इस मूवी को देखकर काफी मजा आता है। इसी के साथ हम आ गए लिस्ट की नंबर 1 मूवी पे। पर नंबर 1 मूवी बताने से पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई ने बोला करने का तो करने का। नंबर 1 पर है द डार्क नाइट ट्रायोलॉजी। ये एक ऐसी ट्रायोलॉजी मूवी है जो DC के फैंस की सबसे फेवरेट है और इसे डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नॉलन ने। इस मूवी में क्रिस्टिन बेले ने बैटमैन का रोल बहुत ही बढ़िया प्ले किया है जिसमें शामिल है बैटमैन बिगिंस, द डार्क नाइट और द डार्क नाइट राइजेस। इन ट्रायोलॉजी मूवीज में बैटमैन के माइथोस का रियलिस्टिक और डार्कर अप्रोच दिखाया गया है जिसमें कास्ट के सभी एक्टर ने अपने रोल को बेहद ही परफेक्टली प्ले किया है, लेकिन खास करके लेजर ने द डार्क नाइट में जोकर का आइकॉनिक पोर्ट्रेट किया है वो सच में नेक्स्ट लेवल है। तो दोस्तों यही थी लिस्ट की कुछ मूवीज। अगर आपको हमारी लिस्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, लव यू।